An Academy. Let's crack it. Complaint. As provided under Section 2D of CRPC, can be in writing only, can be oral, either in writing or oral, can be by gesture. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है. कंप्लेंट आप लोग पढ़ते हैं तो कंप्लेंट कैसे की जा सकती है, क्या सिर्फ राइटिंग में की जाएगी या सिर्फ ओरल हो सकती है, या रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, या फिर जेस्टर्स के थ्रू, इशारों के थ्रू भी की जा सकती है. करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा. ओके, सब लोग कह रहे सी इज द राइट आंसर. एग्जैक्टली, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे होते हैं. इसकी पीडीएफ है ना, इसकी पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी. जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें इसकी पीडीएफ मिल जाएगी. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा. सेक्शन 92 ऑफ सीआरपीसी लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर. सेक्शन 92 डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है. प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल एंड टेलीग्राफ अथॉरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द कस्टडी ऑफ एनी पर्सन अदर देन द अक्यूज्ड, प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द कस्टडी ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड है, लेकिन ऑप्शंस थोड़े से टेक्निकल है. एक एक ऑप्शन को ध्यान से वैल्यू करके आंसर करें. हां जी बताइए. अमन सबसे पहले आंसर कर रहे हैं. अमन सिंह तुम राजस्थान देने नहीं गए. अनुश्री वकील साहब, ओके, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट.